जहां मैं वहां। मैं अगर कहूं तो कैसे हो भाई लोग, आज हम बनाने वाले हैं ये वाला वीडियो जिसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी VN एंड कैपकट एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा VN एप्लीकेशन, तो मैं अपने फोन में VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे मैं नया प्रोजेक्ट लूंगा और नया प्रोजेक्ट में मैं यहां पे एक अपना वीडियो ऐड कर लूंगा। याद रहे ये वीडियो आपको दो बार ऐड करना है, एक मेन से और एक PIP से। ये वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पे ब्लैक जो यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड कर रहा हूँ जो कि एक रोज एक गुलाब का PNG फोटो है। इस फोटो को ऐड करने के बाद सिंपली थोड़ा सा जूम करके मैं इसको अपने हैंड पे प्रॉपर तरीके से सेट कर दूंगा। और प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद फिर से मैं PIP वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो एंड वीडियो वाला ऑप्शन पर जाकर वही वीडियो ऐड करूंगा जो मैंने मेन वीडियो में ऐड करना करा है, उसको PIP से भी ऐड करना है। ये वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पे रोज PNG वाले वीडियो मतलब रोज PNG वाले लेयर पे आना है। इसको आगे से थोड़ा सा कट कर देना है, जहाँ से मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ वहाँ तक कट करके सिंपली इस पे इन एनिमेशन लगा देना है। मोशन वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला ग्रेडियन वाला इन एनिमेशन लगा कर इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को करना के रोज वाले में तो इन एनिमेशन लग गया है। अब जो हमारा दूसरा वाला वीडियो लेयर वाला ये जो बीच में दिख रहा है, इस वाले लेयर पे क्लिक करना है और इसके आगे का पार्ट इसका भी डिलीट कर देना है रोज के बराबर। जितना जहाँ से गुलाब वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये भी होना चाहिए। अब इसको फिट कर देंगे ताकि ये फुल स्क्रीन हो जाए। उसके बाद इसके मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर ये जो रेक्टेंगल वाला मतलब ये गोल वाला है ना, आप देख सकते हो जिसमें लिखा है रिडायल, इस पर क्लिक करेंगे। रिडायल ही लिखा है ना भाई, छोटा सा दिख रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये गोल वाले पे जाके यहाँ पे हाथ पे अपने हाथ पे सेट करके आगे जाते जाते इसको की फ्रेम लगा कर जैसे जैसे मेरा हाथ जाएगा वैसे वैसे इस रिंग को इस गोले को अपने हाथ के ऊपर ले जाकर सेट करते जाना है। आपको ध्यान देना है भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका वीडियो नहीं बनेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से की एनिमेशन मतलब की फ्रेम लगाना इसमें और पूरा लगा देना, जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा ये गोले को आपकी जो अंगुली है उसके ऊपर ऐसा सेट करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे हमारा सेट तो हो चुका है पूरा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने पूरा की फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है और ये हो गया कम्प्लीट हमारा की फ्रेम। तो लास्ट वाला की फ्रेम लगने के बाद आगे का पार्ट चाहो तो आप कट करके डिलीट भी कर सकते हो, मतलब जहाँ तक आपका ये यहाँ से मैं कट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। अब हमको क्या करना है, रोज वाले वीडियो पे जो रोज वाला गुलाब वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, गुलाब वाले PIP पे क्लिक करना है और इसमें भी हमको लगाना है की फ्रेम मतलब की एनिमेशन, इसमें भी आपको सेम करना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया फटाफट ताकि थोड़ी सी लंबी ना हो वीडियो, तो आप कर लेना ध्यान से करना। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर नीचे होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है गुलाब वाले PNG में। इतना सेट करने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है भाई, इतना तो वीडियो आपका बन चुका है। यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके देता हूँ, गुलाब कुछ इस तरह से आपका वीडियो बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। सेव करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी कैपकट एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले मैं कैपकट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो मैं उस वीडियो को ऐड कर लूँगा। ये रहा वो वीडियो जो कि एक ही सेकंड का है, जहाँ से मैं सामने से चल के आ रहा हूँ ये वाला वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारा वीडियो है जो कि एक ही सेकंड का है, इसका वाटरमार्क डिलीट करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको स्लो मोशन में करना है। अगर आपके मोबाइल में स्लो मोशन वाला ऑप्शन नहीं है तो स्लो मोशन में कर लेना, स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके इसको 2 कर देना मतलब 0.2x कर देना इसको। और अगर आपके मोबाइल में एनिमेशन वाला मतलब स्लो मोशन वाला ऑप्शन है तो स्लो मोशन में ही शूट कर लेना भाई, नहीं है तो ऐसा कर लेना। अब यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके इसको हम बेटर क्वालिटी कर देंगे जिससे हमारा स्लो मोशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जो रुक रुक के चलता है रुक रुक के नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्मूथ हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो स्लो मोशन हमारा कुछ इस तरह से स्मूथ हो चुका है और ये वीडियो हमारी इतनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधा इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब फिर से बैक आएंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट लेंगे और नए प्रोजेक्ट में एक नया वीडियो ऐड करेंगे और नया वीडियो ऐड करने के बाद ये जो बैकग्राउंड टेम्पलेट वीडियो, इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे ये वाला वीडियो मतलब ये दोनों वीडियो ऐड करके ये जो मेन वाला वीडियो मैंने ऐड करा जो अभी हमने स्लो मोशन में करा था, इसको मैं कर दूंगा ओवरले ताकि ये नीचे आ जाए।
ये देख सकते हो आगे ओवरले हो गया। अब इस पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड कर देना है रिमूव। तो यहाँ पे हम कटआउट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, तो ये थोड़ी देर में पूरा बैकग्राउंड हटा देगा और आपका बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो चुका होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हमारा बैकग्राउंड तो हट चुका है, वीडियो को प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा वीडियो बन चुका है। अब मेन काम बचा है, सबसे पहले वाटरमार्क को डिलीट कर देता हूँ। वाटरमार्क को डिलीट करने के बाद मेन काम ये बचा है कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का फोटो ऐड करना है, ताकि जो नीचे पैर का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, जिससे हमारा पैर सही से नहीं दिखे। तो यहाँ पे मैं ये फोटो को, ब्लैक कलर के फोटो को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको वीडियो के बराबर करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस ब्लैक फोटो पे क्लिक करके हम चलते हैं इसके मास्क वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो दो नंबर पे दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसा हो चुका है, अब इसको हम नीचे लाकर सेट कर देंगे, जिससे हमारा पैर पूरा नहीं दिखे और ये वीडियो थोड़ी सी और भी अच्छी लगे देखने में। तो कुछ इस तरह से हमारा वीडियो इतना बन चुका है जितना आप देख सकते हो। प्ले करते हैं तो ये रहा हमारा वीडियो, कुछ इस तरह से बन चुका है जिस तरह से आप देख रहे हो। अब मेन काम क्या है, इसको भी स्पोर्ट कर देना है, मतलब ये भी बन चुका है, इसको भी स्पोर्ट कर देना है। एक हमने वीएन में बनाया, दूसरा हमने कैपकट में बनाया, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, मतलब इसमें थोड़ा सा ब्लू एडजस्टमेंट डाल देता हूँ, ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहो तो, मतलब अपने चेहरे पे हाइलाइटिंग लाना चाहो तो कर लेना, वरना ज़रूरी नहीं है भाई, वैसे नहीं छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे ये वीडियो इतना बन चुका है तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और बीएन एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब उन दोनों वीडियो को हम ऐड करेंगे जो हमने अभी तक बनाया है, जो हमने अभी तक एडिट किया है। उन दोनों वीडियो को ऐड करने के बाद, जो अभी हमने बनाया उन दोनों वीडियो को ऐड कर लेंगे, और इसके बीच में हमको लगाना है एक ब्लैक कलर का फ़ोटो इन दोनों के बीच में। यहाँ से मैं PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और एक ब्लैक कलर का फ़ोटो ले लूँगा। ब्लैक कलर का फ़ोटो लेने के बाद उस फोटो को मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा ये, ताकि इससे जो पूरा स्क्रीन है वो ढक जाए। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इसमें मोशन वाले ऑप्शन पर जाकर क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। सबसे पहले हम इन एनिमेशन में फेड लगाएंगे। इन एनिमेशन पे फेड लगाने के बाद यहीं बगल में आपको आउट एनिमेशन दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करके दोनों पे फेड कर देना है। और दोनों पे फेड कर दिया, बस हो गया, वीडियो हमारा कंप्लीट बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे आएगा, तो भाई ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बता देना यार, मैं काइंड मास्टर में बता दूंगा। पहली बार मैं कैपकट और वीएन यूज कर रहा हूँ, तो शायद आप लोग को समझ में आया हो कि नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहते हो यार कि भाई वीएन में बनाओ, कैपकट में बनाओ। इसके लिए आज की वीडियो मैंने वीएन और कैपकट में एडिट कर दी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आगे का वीडियो वीएन कैपकट में चाहिए कि नहीं वो भी।